8 दिन तक सीमा रही, मर्दानगी भी पूरी टेस्ट कर ली वही। लेकिन सवाल मेरा ये था कि आप गुलाम हैदर की मर्दानगी पर सवाल उठा रहे हैं। दो दिन में अंजू को वीजा मिल गया, सीमा को एक साल में भी वीजा नहीं मिला। अंजू का वहां जाना, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? दो टूक बताएं। जाएगी तो अर्थी जाएगी। आपने नूह मेवात के जेल में रखे हुए आपकी आईडी और आपका है कैमरामैन मिस्टर, आपको बांग्लादेश भिजवाओगे क्या? तो क्या सीमा हैदर के साथ उसका हवाला देकर, उस मुद्दे का हवाला देकर, पहले सीमा हैदर जो पहले हो चुका, अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक है, भारत में रह रहे हो, गो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, चले साहब जो टेस्ट कराना करा लो, लेकिन पाकिस्तान मत भेजो, पाकिस्तान मत भेजो। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सी उसकी शक्ल है, ऐसा बयान एक महिला की ओर से दिया गया। किसी के पति के बारे में कमेंट करना, किसी के पत्नी के बारे में कमेंट करना बहुत बड़ी अमर्यादित है। हिंदू मैरिज एक्ट का हमेशा हवाला दिया जाता रहा है, उन्हें 5 उनके पूर्व प्रेमियों का ऑन रिकॉर्ड सबूत भी दे दिया। और जानकारी उनका क्या संबंध है सीमा से, अपना तो नहीं बताया? अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक होने के बाद भी भारत में हैं। तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं सीमा हैदर के अलावा, तो एक नैरेटिव सोशल मीडिया में आपके खिलाफ भी सेट है। सरकार के खिलाफ हमने केस लड़े और जीते, मनीष कश्यप का केस लड़ रहा हूं और जेल का ताला टूटेगा। आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरी लड़ाई लड़ी, यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण हमने सिद्ध कर दिया है आरोप झूठे हैं। 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, लाइफ टाइम मेंबर हूं, कोई हिम्मत नहीं कर सकता, हौसला नहीं कर सकता जो केस लड़ने की, वो डॉक्टर एपी सिंह हिम्मत करता नहीं, लड़ता नहीं, जीतता है। उन्होंने इलीगल तरीके से भारत में दाखिला लिया, आप उनकी वकालत करने लगते हैं, तब इस तरह के सवाल मौजूद हो जाते हैं। पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा लेकर काठमांडू आई। नमस्कार, प्रियंक हूं मैं, और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई परिचय के लिए उनके कोई भूमिका बनाने की जरूरत होगी। निर्भया केस के दोषियों के बचाव समेत तमाम अहम मुद्दों पर पुरजोर वकालत करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम अहम मसलों पर बात होगी। बहुत स्वागत है एपी सिंह जी। ये जो मैंने अभी इंट्रो में कहा, ये कि भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, आप लगातार सुर्खियों में हैं, वाकिफ हैं आप इससे, सहमत हैं? मैं मेहनत करने वाला एडवोकेट हूँ। संविधान को पढ़ने, गढ़ने, उसको चलने, उसको सिखाने, उसको बताने, उसको लीगल फ्रेटर्निटी तक पहुंचाने, इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो व्यक्ति हैं उनको न्याय दिलाने की साजिश का एक कानून का सिपाही हूं। 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, इतना मैं समझता हूं काफी। चलिए, अभी आपकी एक हालिया गतिविधि की अब बात करते हैं। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सी उसकी शक्ल है, ऐसा बयान एक महिला की ओर से दिया गया, आपकी ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया। देखिए, सभी लीगल कार्रवाई की जाएगी, वो केवल एक सचिन के लिए नहीं है, वो उनकी अपनी निजी जिंदगी हो सकती है, ऐसा अनुभव रहा हो उनके अपने निजी जीवन में पति के प्रति, पति के बारे में, और उन्हें नहीं पता होगा कि मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। कुछ के यहाँ तक परेशानी दिखती है, बालों की नहीं रहते, कुछ की क्या हो जाता है, कुछ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कुछ की कमर झुक जाती है, अब उनके बारे में क्या कहोगे जो कैंसर रोग से पीड़ित हो जाते हैं, टीबी हो जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं। लेकिन अभी जब एक मीडिया इंटरव्यू में उनका, उस महिला का पक्ष ये था कि मैंने अपने लोकल स्लैंग में, वहाँ की स्थानीय भाषा में लप्पू शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी शब्दावली असंसदीय नहीं है। बहुत ही बड़ी अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी, किसी के पति के बारे में कमेंट करना, किसी के पत्नी के बारे में कमेंट करना बहुत बड़ी अमर्यादित है। ये सचिन के लिए तो कह दिया, ये केवल सचिन का अपमान नहीं है, इस सीमा के प्यार का अपमान नहीं है, इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान नहीं है, मीना समाज का अपमान नहीं है, रघुपुरा का अपमान नहीं, उत्तर प्रदेश के अपमान नहीं है, इस देश के सभी तमाम पतियों का अपमान है, सभी तमाम पत्नियों का अपमान है जो एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। अरे, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई हल्का है, कोई काला है, कोई पीला है, क्या इससे मतलब, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई घंटा है, इसको क्या कहेंगे, छोटा कोई किसी कुछ को, ऐसे अपमान शब्द, ये अपमान है, ये डिफामेशन है, ये बहुत बड़ा उसके साथ दुखद क्षण है।
ये बहुत बड़ा अमर्यादित शब्द। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि सीमा मीना हम क्यों मान लें जब ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज ऐसा कोई नहीं है तलाक का उसके जो पिछले पति हैं गुलाम हैदर उनके साथ, ऐसे भी लोगों के मन में। मुझे पाकिस्तान के जो लोग सवाल करते हैं उनके लाइए, ये तो मोदी जी की और भारत के सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिसमें मैं याचिका करता था उनकी बदौलत अब लोग समझ गए हैं कि ट्रिपल तलाक यहाँ क्वैश हो गया, खत्म हो गया। यहाँ भी यही होता था, तलाक 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 तो दे देते थे नजरे कहर का साथ, उसका शबाब नहीं लौटाते थे मेहर के साथ। जब तलाक 4 साल पहले हो चुका, इसको पत्नी ही बताएगी, पहली पत्नी से भी वो तलाक दे चुके, दूसरी पत्नी से भी तलाक दे चुके, अब तीसरी पत्नी है, इंशाल्लाह चाहेगा 4-5 और हो जाएंगी, क्या प्रॉब्लम है। पहले के बच्चे रख लिए, इसके बच्चे छोड़ दिए, अब की वाली के बच्चे रह रहे। जब वो कह रही है, और ये बात मैंने क्लियर गुलाम हैदर से भी करा ली, आपके दर्शकों के माध्यम से बता दूं, वाजपेयी जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, मैं आपको बता दूं ये मैंने क्लियर करा के एक डिबेट में, जो मेरा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज है, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज, उस पर मैंने उस डिबेट को डलवाया, मैं नहीं डाल पाता, मैंने डलवाया, जिसमें एक भारतीय न्यूज चैनल एक रिपोर्टर ऑडियंस के सामने पूछ रहे थे और उसमें गुलाम हैदर साहब जुड़े हुए थे डिबेट में, मैं देहरादून में था, डिबेट में जुड़े हुए थे। उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि आपकी सीमा पर जासूस आईएसआई एजेंट आतंकवादी होने का आरोप है। मैंने कहा मैं आरोप स्वीकार करता हूं। अब आप इनके जो पूर्व पति जुड़े हुए हैं डिबेट में आपके साथ, उनसे पूछ लीजिए क्या उनकी पूर्व पत्नी सीमा जासूस थी, क्या आतंकवादी संगठनों से मिलती थी, क्या आईएसआई से मिलती थी, क्या पाकिस्तान सरकार उसे पैसे देती थी। मैंने बात कही, उन्होंने तलाक तपाक से जवाब दिया, वो हमारी बात को भांप नहीं पाए, उन्होंने तपाक से जवाब दिया 4 साल हो गए मुझे नहीं पता सीमा आतंकवादी है नहीं है, जासूस है स्पाई है, क्या मुझे नहीं पता। मैंने कहा नोट कर लीजिए ये बात, मैंने कहा और मैं दूसरा क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि बच्चों का तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा, लेकिन बच्चों का डीएनए टेस्ट हो उससे बच्चों का अपमान होता है, उनका अनादर होता है, उनको डिमोरलाइजे मिलता है, ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा इनसे पूछ लीजिए बच्चे इनके हैं, उन्होंने कहा बच्चे मेरे हैं, क्योंकि 2 महीने से जब गर्भवती थी सीमा उसके बाद तलाक दे दिया और उसके बाद गुलाम साहब ने कभी उससे संपर्क नहीं रखा, 4 साल पहले तलाक हो चुका, अब 4 साल की बच्ची है, अपने परिवार अपने पति के साथ यहाँ रह रही है, सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है, मीना सचिन मीना की पत्नी है, रघुपुरा में रह रही है। जांच की बात करें एफआईआर हो गई, जेल हो गई, बेल हो गई, और क्या चाहिए साहब, ये बजरंगबली हनुमान जी का समय नहीं है कि जो सीना फाड़ के शीर्ष दिखा दे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वकील साहब इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं और मुझे लगता है आपसे बेहतर उसका स्पष्टीकरण कोई नहीं दे सकता। हिंदू मैरिज एक्ट का हमेशा हवाला दिया जाता रहा है और हिंदू मैरिज एक्ट जहाँ तक अपनी सीमित समझ के हिसाब से मैं समझ पाता हूँ 2 शादियों का को अलाउ नहीं करता है, उसकी परमिशन नहीं देता है, और अभी दस्तावेज ऐसा कोई मौजूद नहीं है, वो कथित तौर पे है कि तलाक 4 साल पहले दिया जा चुका है, वो तलाक शरीयत में यही दिया जाता है, तलाक तलाक ट्रिपल तलाक यही था जो भारत में अब क्वैश हो गया है। पहले भारत में भी ऐसा नहीं था, पहले भारत में भी ऐसे कितने मामले हैं, लोग महिला सुरक्षित नहीं थी। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 और सेक्शन 4 ये कहती है अगर आप दो, एक युवा और एक पुरुष, अब तो सेम सेक्स मैरिज का भी कानून आने वाला है अगले दिनों में सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट कहती है सेम एक युवक एक युवती तलाकशुदा है, ठीक है, सनातन धर्म ग्रहण करती है, उससे शादी पर नहीं फर्क, सनातन धर्म ग्रहण किया उसने, सनातन धर्म में आ गई, फिर वो कहीं भी किसी मंदिर में किसी पूजा में किसी कमरे में सूर्य भगवान को साक्षी मानकर, चंद्र भगवान को साक्षी मानकर, जल भगवान को साक्षी मान, हवा भगवान को साक्षी मानकर, धरती माता को साक्षी, जो पंच तत्व हैं पंच तत्व को साक्षी मानकर, उनमें भगवान का रूप देखकर, पत्नी पति रूप में, पति पत्नी रूप में, दिया के साथ
धूप के साथ, अगरबत्ती के साथ, हवन के साथ स्वीकार करती है, स्वीकार करता है, मांग में सिंदूर भरता है और वो करवा और वो मंगलसूत्र पहनती है, चूड़ी पहनती है, बिछिया पहनती है, सिंदूर लगाती है, तो ये आपके जीवन की पत्नी, अर्धांगिनी पत्नी हो जाती है और वो अपने जीवन को पति के रूप में उसको स्वीकार करती है। ये हमारी हिंदू मैरिज एक्ट है, ये हिंदू मैथोलॉजी है, ये संस्कृत है। अब मुझे आप अपने परिवारों की शादियों में बताइए, जो पिछले महीने हुई, जो जनवरी में हुई, फरवरी में हुई, ब्राह्मण होता है, वर आता है, वधु आते हैं। कोरोना काल में 5 लोगों ने भी शादियां की, 4 लोगों ने भी शादियां की कोरोना काल में, तो भीड़ का तो महत्व है नहीं कि 5 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, इससे तो कोई महत्व पड़ता नहीं। 2 व्यक्ति हैं अगर पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, इसके फोटोग्राफ भी हैं, इसके सब प्रमाण भी हैं, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के स्थल पर उसने शादी की है। पिछला पति होते हुए तलाक होने के बाद, तलाक तो कथित तौर पे अगर जिसे आप कथित कहते हैं, वही पाकिस्तान की अंजू जो पहुंची है, क्या उन्होंने अंजू का डाइवोर्स पेपर लिया, शरीयत भी बता दी, निकाहनामा भी करा दिया, मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करा दी जी, उसी पाकिस्तान। अंजू मसले पर भी बात होगी, लेकिन बच्चे जब बीच में आते हैं, सीमा हैदर जो की सीमा मीणा हो चुकी है, वो सचिन से शादी कर चुकी हैं, उनको उनसे प्रेम हुआ, लेकिन इस बीच जब बच्चों की भूमिका आती है तो क्या उन्हें अपने पिता, पूर्व पिता गुलाम हैदर का प्यार नहीं मिलना चाहिए? उनके प्यार से क्या वो महफूज हो गए? उनके साथ कुछ अन्याय हो गया? बिल्कुल मिलना चाहिए। गुलाम साहब पहली बीवी के बच्चों को तो रख रहे हैं, ये समझने सोचने की चीज है, ये मानने की चीज है कि किस तरह से उसके साथ व्यवहार हुआ। अब आते हैं भारत के कानून, गार्जियनशिप एक्ट। गार्जियनशिप एक्ट कहता है मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, और खासकर लड़कियों की बेस्ट कस्टोडियन मदर ही होती है, प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से। और सीमा के जो अब्बा जान थे उनमें देखा, उनका 2022 में इंतकाल हो गया, सीमा बेसहारा हो गई, भाई पर बोझ बनना नहीं चाहती थी और वो भाग। ठीक है सर, लेकिन अभी बीते रोज एक पाकिस्तानी पत्रकार से हमने बात की, काफी चर्चित रहा वो इंटरव्यू भी। उस इंटरव्यू में उस पाकिस्तानी पत्रकार की ओर से ये हवाला दिया गया कि सीमा हैदर पहले दुबई में बार डांसर थी, उन्होंने 5 उनके पूर्व प्रेमियों का ऑन रिकॉर्ड सबूत भी दे दिया, 5 पूर्व प्रेमियों का सर। वो अब तथ्यात्मक है कि नहीं, इसकी पुष्टि TV9 नहीं कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने इस तरह के आरोप भी लगा दिए कि एक भारतीय राजनेता के साथ सीमा हैदर का संपर्क था और उसके हवाले से उनके संपर्क के बाद वो हिंदुस्तान में आई। क्या कुछ ऐसी जानकारी? बड़ी गंभीर बात आपने कही जी, उन्हें तो हमारी CBI में भर्ती कराओ, जो पाकिस्तान के ऐसे हैं उन्हें भारत बुलाओ, उनकी बड़ी जरूरत है। वो इतनी जानकारी रखने लगेंगे तो निश्चित तौर पर दोबारा 26/11 नहीं होगा, वो इतनी जानकारी दे दे देंगे, संसद पे हमला नहीं होगा, पुलवामा कांड नहीं होगा। उनका नाम पता मुझे बताइए, मैं यहाँ की सैयद अब्दुल वासी, उनका बताइएगा, उन्हें उनको भारत सरकार के गृह मंत्रालय को दीजिए। इतनी जानकारी रखते हैं, इतनी पता रखते हैं, इतना सब कुछ रखते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ऑन रिकॉर्ड वो एविडेंस भी दे चुके हैं कि उनके 5 उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, अच्छी बात है, उनको तो बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत जानकारी। उनका क्या संबंध है सीमा से? अपना तो नहीं बताया, 5वें में 6 अपना तो नहीं, 6ठे 7वें अपने भी हो सकते हैं, सब ऐसे हो सकते हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का सबने एक साधन बना लिया है, कोई फिल्म बनाने चल देता है, सुबह एक पार्टी टिकट देती है, शाम को उनकी पार्टी का मुखिया कहता है टिकट देंगे, पाकिस्तान का टिकट देंगे। आपने फिल्म बनने का भी जिक्र किया, उसी सवाल पर मैं आ रहा था। अचानक से तमाम अखबारों की हेडलाइन बनती है कि सीमा हैदर एक फिल्म में शामिल होने वाली है, एक फिल्म में भूमिका निभाने वाली है, अमित जानी उसे डायरेक्ट करेंगे, आपकी ओर से खंडन किया? बिल्कुल खंडन, शुरू से खंडन है, सीमा ने भी खंडन किया, कल भी खंडन किया। कल हम जब लोग घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा गांव मेरा देश के आधार पर पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे थे,
हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के आधार पर सीमा और सचिन के घर पर भी तिरंगा, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, वंदे मातरम, भारत माता की जयकारे लग रहे थे। तो वहाँ थे, इस बात का खंडन हुआ, सारी मीडिया के सामने हुआ। कितने फेसबुक अकाउंट उसके गलत चल रहे हैं वो उस पर बैन लगाया गया। केवल एक अकाउंट इंस्टाग्राम पे है, एक अकाउंट यूट्यूब पे है, वो हमने सब फ्लैश कर दिया, सबको पता चल गया। बैंक अकाउंट कितने खोल रखे थे सीमा सचिन के नाम पे, सचिन का बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, रघुपुरा ब्रांच का, वो सबको बता दिया गया, सब कुछ क्लैरिटी कर दी गई। इसीलिए लोग यहाँ, हमारे यहाँ कुछ कुछ यूँ करते हैं जख्मों का इलाज। सीमा के भी जख्म थे, सीमा के जख्म थे, कुछ कुछ यूँ करते हैं हमारे यहाँ के कुछ लोग सीमा के जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाते हैं तो कांटों की नोक से कांटा ले जाते हैं कि चलो लाओ मरहम लगा दें इस जख्म पे। और जहाँ से आई है सीमा, वो तो पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह कितनी बार इस बात को दोहरा के कह चुके हैं, चीख चीख के कह चुके हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। और हमारी सेना किसी भी दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा देगी। और ये भी सच जल्दी से हो जाएगा, जैसे हमारे अंग्रेजों की दास्ता के बने हुए कानून समाप्त हो रहे हैं, हमारी नई संसद बनी है, हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश 75 साल आजादी के मना रहा है, हमारा देश संविधान के आधार पर विश्वास करता है, हमारा संदेश केवल कागज पर खिंची हुई लकीरें नहीं है। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं वैध वाले, 10 करोड़ अवैध रहते हैं, जैसे रोहिंग्या मुसलमान हमारे, जो नूह मेवात में अभी आपने पिछले दिनों देखा, जलाभिषेक की यात्रा करने वाले यात्रियों, धर्म यात्री जो हाथों में बेलपत्री, गंगा जल और प्रसाद और धतूरा और फूल लेकर जा रही थी, बहन बेटियां, बच्चियां, गर्भवती महिलाएं, उन पर गोलियां चलाई गई। ऐसे भी हमारे देश में आजादी के सामने हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, 1971 के बाद आए हुए हैं, तिब्बत से दलाई लामा जी के साथ आए हुए इस देश में लाखों लोग हैं, मजनू के टीले पर रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के जनपद धर्मशाला में रह रहे हैं, ये सब आंकड़े हैं। अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक होने के बाद भी भारत में हैं, अदनान सामी पाकिस्तानी नागरिक के बाद भारत में नागरिकता मिली, और हीरो हीरोइन कितने हैं जो अभी भी बाहर के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं। जब वो रह सकते हैं तो हमारी सीमा भी हमारे सचिन मीना के घर में पत्नी बनकर रह सके। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अहम तथ्यों का जिक्र आपने किया। आपने इस दौरान अपने संबोधन के दौरान एक बड़ी बात ये भी कही कि सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। सस्ती लोकप्रियता का जिक्र होता है तो जिक्र इस तरह के केसों का भी होता है कि देश में, जैसा कि आप नो हिंसा का जिक्र कर रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं सीमा हैदर के अलावा। तो एक नैरेटिव सोशल मीडिया में आपके खिलाफ भी सेट है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ केस उठाए जाते हैं, इसको लेकर आप। ये उनका जवाब अच्छा है, निर्भया मैंने शुरू से आखिर तक किया, संवैधानिक लड़ाई लड़ी और लोगों को दिखा कि न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। पहले लोग समझते थे देश के महामहिम राष्ट्रपति भगवान होते, हमने कहा नहीं, भगवान नहीं होते, उनसे भी गलती होती है, उसका सुधार फिर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद लोग सोचते हैं राष्ट्रपति के अलावा कुछ नहीं है, हमने कहा नहीं, गवर्नर साहब भी होते हैं, हाई कोर्ट भी होते हैं, ये है। अब आइए आप उन लोगों के दर्शकों का जवाब देने के लिए, सरकार के खिलाफ हमने केस लड़े और जीते और इस देश के किसानों को उन बिलों पर स्टे मिला और बाद में मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई और वो बिल रिपील। हमने हरियाणा के संत रामपाल दास जी महाराज, जो जाति हमारी धर्म है, जीव हमारी जाति है, धर्म हमारा समाज, इस पर जो बात करते हैं, संत रामपाल दास जी महाराज के 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया था, हमने वो लड़ा और जीता। डेरा सच्चा सौदा के 126 मानवता भलाई के कार्यों को हमने लड़ा और दुनिया को दिखाया कि डेरा सच्चा सौदा ने मानवता भलाई के लिए पूरी दुनिया में काम किया है। और राम रहीम पर झूठे आरोप लगाए गए, वो मैंने लड़ा और देखा। हरियाणा के PTI टीचर्स का केस लड़ा, 3000 PTI टीचर से सरकार ने निकाल दिए, हमने लड़ा, जीता और उन्हें फिर से नौकरियों पर पुनर्स्थापित कराया।
उत्तराखंड के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मिशन संस्थान परिवार का केस लड़ा और जीता, बेटी की तरफ से लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी सरस्वती जी, उनका केस लड़ा और झूठा केस था, पूरा लड़ा, जीता और शिकायतकर्ताओं को भी जेल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राममूर्ति वर्मा, लड़ा केस और जीता। बिहार में आनंद मोहन का केस लड़ रहा हूं, जीतूंगा। सुशांत सिंह राजपूत का केस लड़ा और जीता। अररिया की आरती यादव, छोटू यादव का केस लड़ा और जीता। मनीष कश्यप का केस लड़ रहा हूं और जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा, बाहर होगा। पत्रकार का है, केस लड़ रहा हूं, वो दिख रहा है आपको। अभी आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरी लड़ाई लड़ी। दुनिया कहती थी बॉक्सों में जेल भेजो, जेल भेजो, यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण, हमने सिद्ध कर दिया है आरोप झूठे हैं और वो पूरी तरह से सिद्ध हो गया, दिख रहा है। नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हुई, जीते हम। हाथरस का केस पिछले दिनों की बात है, दुनिया मांग कर रही थी योगी जी की सरकार हटाओ, योगी जी को बर्खास्त करो, फांसी दो, फांसी दो। आज फांसी दो मांगने वालों के मुंह काले हो गए, उनके मुंह पे काली फुट गई, उन फांसी देने वालों के मुंह पर, और दिख गया उनके मुंह पर जो कहते थे फांसी दो, फांसी दो। अलीगढ़ की कोर्ट से, माननीय अलीगढ़ की कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हाथरस के आरोपी तीन। और एक झगड़ा भी सुन लीजिए, अपने दर्शकों को जवाब तो दीजिए। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री कंप्यूटर बाबा का केस लड़ा और जीता। दिल्ली सरकार के कितने मंत्रियों के केस लड़े और जीते। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का केस लड़ा और जीता। ट्रिपल तलाक क्वैश कराने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राम मंदिर आंदोलन के केस में लड़ा और जीता। जो लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बता दी गई। मथुरा और काशी का चल रहा है कि केस, जो दारा सिंह का मामला केस लड़ा और फांसी से बचाया, क्वेंचर जेल में है दारा सिंह। क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियों को जलाने की बात थी, उसके लड़ा और जीता। मुकेश जैन का केस, दारा सेना के अध्यक्ष, कितने केस उन पर लड़ा दिए गए, लड़े और जीते और दिख रहे हैं। ये अभी उनका जवाब की बड़ी लंबी लिस्ट है। 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, लाइफ टाइम मेंबर हूं। वकालत को मैंने त्याग और तपस्या की तरह माना है। कोई हिम्मत नहीं कर सकता, हौसला नहीं कर सकता जो केस लड़ने की, वो डॉक्टर एपी सिंह हिम्मत करता नहीं, लड़ता नहीं, जीतता है। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जारी है लड़ाई हमारी, ऐसे नहीं निपट जाएगी। आपने जो भी आपकी उपलब्धियां हैं उन सबका देश सम्मान करता है, लेकिन सवाल यहाँ मौजूद यही हो जाता है कि क्या सीमा हैदर, सीमा मीणा, सचिन मीणा बॉर्डर से क्रॉस जब करके आई तो क्या लीगली आई? इस तरह की बात भी, उनके पास दस्तावेज नहीं थे, उन्होंने इलीगल तरीके से भारत में दाखिला लिया। इसको लेकर जब आप उनकी वकालत करने लगते हैं तब इस तरह के सवाल मौजूद हो जाते हैं। नहीं, क्या होता है हमारे देश के लोगों में, उंगली उठाना बड़ा आसान है, अपनी तीन उंगलियां देखते नहीं। इस देश में पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट कोई काठमांडू के लिए नहीं, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू के लिए नहीं, पाकिस्तान वाया दुबई, दुबई वाया काठमांडू। सीमा सचिन आपके चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार है, बात भेजिए जिम्मेदारी से, क्या वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा। पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा लेकर काठमांडू आई। पहली बार शादी की, 8 दिन रही, सब कुछ रहा, शादी हुई। जो लोग कहते हैं ना महिलाएं, पति ऐसा है वैसा है, शब्द यूज करते मैं कहना नहीं चाहता कि वो सब पतियों के लिए चले जाएंगे। 8 दिन तक सीमा रही, मर्दानगी भी पूरी टेस्ट कर ली, समझे आप? सीमा क्यों पत्नी बनी है, क्यों लोगों कहने को मौका मिल रहा है, मर्द की मर्दानगी देखी जाती है, वो देखी, उसके बाद और दूसरी मर्दानगी देखी, बिस्तर की नहीं, दिल की मर्दानगी। जब सीमा ने कहा चलें यहीं से ऐसे, तो उसने कहा नहीं, बच्चों को भी लेके आओ, बिना बच्चों की मां नहीं, मां के बिना बच्चे नहीं। सीमा ने और सोचा, मेरा पति बिस्तर का मर्द नहीं है, मेरा पति दिल का भी मर्द है, दिल का भी अमीर है, दिल का भी राजा है। और वो सीमा वैलिड पासपोर्ट वीजा के साथ, चारों बच्चों का वैलिड पासपोर्ट,
वैलिड वीजा, सुन लीजिए मिस्टर रिपोर्टर। और वहां से दुबई आई, दुबई से काठमांडू आई, और काठमांडू वो धर्मपत्नी बन चुकी थी, सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी, 2 साल से करवा चौथ और होली दिवाली मना चुकी थी, पाकिस्तान के लिए वो काफिर हो चुकी थी, अपने बच्चों के साथ अपना मकान बेचकर सारा सामान लेकर, पुराना पासपोर्ट, नए पासपोर्ट, सब वीजा, आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, सब कुछ लेकर, टूटा फोन, नया फोन, सब कुछ लेकर काठमांडू से भारत आई। कोई वीजा नहीं लगता है काठमांडू से भारत के लिए, अच्छा कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है। वहां बस से बैठी, जिस बस से आई पोखरा से, वो बता दिया, टिकट दे दिया, सारे बिल दे दिए, होटल का दे दिया, सब कुछ यहाँ आके रहने के बाद उसने यहाँ के लिए डीएम बुलंदशहर के यहाँ अप्लाई किया। अप्लाई के दौरान एफआईआर दर्ज हुई, हमें कोई आपत्ति नहीं, जांच हुई, एफआईआर हुई, पुलिस कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी हुई, बेल जेल गई, जेल के बाद बेल हुई, बेल की कंडीशन मान रही है, बेल की कंडीशन पूरी कर रही है, और उसके आधार पर यहाँ रह रही है, जो ऑर्डर हुआ उसके आधार पर। ठीक है सर, लेकिन आपने अभी मर्दानगी की बात कर दी, ऑन रिकॉर्ड ये बयान जाएगा जाने तो लोग तो लोग इस देश में, सुनिए सवाल का जवाब, इस देश में मर्दाना ताकत की दवा सब जगह दुनिया में मिलती है, हर दीवाल दीवाल पर आपके चैनल जहाँ है उसकी दीवाल पर भी लिखा होगा मर्दाना ताकत की दवा, हमारे यहाँ मौलाना के पास, डॉक्टर के पास लीजिए। लेकिन सवाल मेरा ये था कि आप गुलाम हैदर की मर्दानगी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो शब्द बोलते हैं झींगुर, पप्पू, लप्पू। अरे एक महिला की ओर से बोला गया सर, किसी की तरफ, मुझे नहीं पता किसकी तरफ से बोला गया। आपने सर नोटिस भेजा होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे लोगों की बात को गलत है, देश के, इस देश में कोई मोटा है कोई पतला, सबके सम्मान पति पति होता है, पति परमेश्वर होता है, कोई किसी तरह से रह रहा है, क्या मतलब इसका किसी के बारे में कमेंट करना, कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये तो सबको पता है, यही होता है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन अंजू हिंदुस्तान की जब पाकिस्तान सरहद पार करके जाती है और वहाँ शादी कर लेती हैं, तो उसका एक बड़ा तबका विरोध करने लगता है हिंदुस्तान में, इस गतिविधि को लेकर आप कंटे? ये देखिए, पाकिस्तान की तारीफ भी करनी चाहिए, जो तारीफ है तारीफ, अगर 14 अगस्त को हम ये मना रहे हैं, विभीषिका दिवस मना रहे हैं, कि इस देश के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सत्ता लोलुपता के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, उस भूख के लिए, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने इस देश के बंटवारे में 10 लाख लोगों की हत्या करवाई, 10 लाख लोगों की, आज 14 अगस्त हमारे लिए विभाजन की विभीषिका के रूप में जिया जा रहा है, 30 लाख घर बर्बाद हो गए, जब ये सब हुआ, 2 ही दिन में बता रहा हूँ, 2 टूक में बता रहा हूँ, 2 दिन में अंजू को वीजा मिल गया, सीमा को 1 साल में ही वीजा नहीं मिला, अंजू को 2 ही दिन में वीजा मिला, 2 ही दिन में टिकट मिले, 2 दिन में वहां पहुंच गई, 2 दिन में मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, 2 दिन में निकाहनामा हो गया, 2 दिन में काजी मौलाना वकील गवाह मिल गए, निकाहनामा रजिस्टर्ड हो गया, यही है 2 दिन में क्या क्या हो गया अंजू के साथ। सवाल मेरा सर ये है कि अंजू का वहां जाना, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? 2 टूक बताएं। हम उनके प्यार तरीके को समर्थन करते हैं, अगर वो प्यार में गई है तो उसका 100% समर्थन, अगर वो धोखे में फंसाई गई, उलझाई गई, जैसा वो अब कह रही है, जैसा वो बता रही है, जैसा 2 ही दिन में उनका निकाहनामा, रजिस्ट्रेशन, शादी, सुहागरात, हनीमून, ड्रोन कैमरों से शूटिंग, आइसोलेटेड पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर शूटिंग, सारी फोटोग्राफ, सारी वीडियो, जो पर्दा नशीन बुरके में थी, जो रेशमी मलमल का बुरका उनका 2 दिन में ही सिला गया, वो 2 ही दिन के अंदर एक डाइनिंग हॉल में बैठी हैं होटल में 9 लोगों मर्दों के साथ बेपर्दा होके, ये सब चीजें क्या दिखाती, 2 ही दिन में 40 लाख का तोहफा, नौकरी, 1 करोड़ के तोहफे, 40 लाख का फ्लैट, नौकरी, उम्रा पे जाने का ऑफर, ये चीज क्या बताती है? अब वो तो अंजू बताएंगी, हम क्या बताएं उसमें, क्या कह रहे हैं क्या नहीं, प्रायोजित साजिश उन्होंने, मुझे लग रहा है उन्होंने ना तो स्पाई माना भारत की, ना जासूस माना, ना कुछ ऐसा माना, उन्होंने तो कुछ माना नहीं, उन्होंने तो सीधे उसे स्वीकार कर लिया, ना उन्हें 14 अगस्त का डर, जांच तक नहीं हुई। अब वो इस्लाम धर्म को बढ़ाने में इतना अग्रसर हैं, इतना प्यार से इस्लाम धर्म को बढ़ाते हैं, तो अच्छी बात है, परिवर्तन आ रहा है,
हो सकता है, लेकिन भारत सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया चलता है। भारत जांच करेगा, परखेगा, लेकिन जब मान लेगा कि वो प्यार में अंधी है, लैला मजनू शीरी फरियाद और हीर रांझा 2023 की है, तो उसे स्वीकार। एक संक्षिप्त में एक सवाल और आपसे कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से बीते रोज ये कहा गया कि मामीड़ा को अपने मुल्क वापस भेजने की तैयारी की जा रही है और उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, इसको लेकर देखिए हमारी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगी हुई है, सब प्रोसेस चल रहा है, उनकी जांच का प्रोसेस कर लें, वो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, जो हैं वो कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात सीमा ने भी बता दी, कल भी बता दी, हर बार बता देती है, आपके चैनल पर भी बताई होगी, आपको बताई होगी कि सीमा की डोली आई है, जो कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, हमारी सनातन पद्धति के अनुसार आती है, डोली आई है, अर्थी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जाएगी तो अर्थी जाएगी, नहीं जाएगी तो खुशियां आएंगी, जीरो नंबर के कपड़े आएंगे, लड्डू आएंगे, ढोल आएगा, नगाड़ा आएगा, तमाशा होगा, सब कुछ होगा। सीमा हैदर की अगर वो जांच में अगर दोषी पाई जाती है तो उन्हें वापस जाना चाहिए, जांच में सजा दो, डबल सजा दो, लेकिन उन्हें वापस ना भेजा जाए, वापस ना भेजा जाए, ऐसा किसान ऐसा किस आधार पे जैसे बांग्लादेशियों को भेजा आपने, अपने आपने नूह मेवात के जेल में रखे हुए आपकी आईडी और आपका कैमरामैन मिस्टर आपकी आईडी और आपका कैमरामैन नूह मेवात में आए हुए रोहिंग्या मेवाती बदमाश क्रिमिनल हैबिचुअल ऑफेंडर प्रोफेशनल बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भिजवाओगे क्या? जेल में है, प्रोसेस कहां यही जा रहा है, मांग यही उठ रही है कि कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, दलाई लामा साहब जाएंगे तिब्बत छुटे, तिब्बत के ये मजनू का टीला खाली होगा, हिमाचल प्रदेश का वो खाली होगा धर्मशाला। एक सवाल सम्मान से ये पूछना चाहता हूं कि क्या अगर वहां कुछ अनुचित हो रहा है तो क्या सीमा हैदर के साथ उसका हवाला देकर, उस मुद्दे का हवाला देकर, पहले उन्हें जो पहले हो चुका, अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक हैं, आए कि नहीं है, आए भारत में रह रहे हैं, यहाँ फिल्म बना रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, अदनान सामी पाकिस्तानी थे, भारत में रहे, हमने अपने आंकड़े दिए हैं, कितने पाकिस्तानी मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, आप उनसे पूछने गए कितने दिन में मिली, आप उसे अक्षय कुमार का इंटरव्यू लेने गए, क्यों भारत में रह रहे हो, गो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, नहीं ना, तो सीमा को मिलेगी, धैर्य रखिए, समस्या है तो समाधान भी है, क्यों चिंता कर रहे हैं आप, होगा, जैसे हमने आंकड़े दिए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को कि इस देश में हजारों पाकिस्तानी इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बांग्लादेशियों को नागरिकता मिली है, समय समय पर दी गई है, श्रीलंका के लोग तमिलनाडु में नागरिकता पाए हैं, कुछ पाने की लिस्ट में हैं, कुछ पाने वाले हैं, ऐसी श्रेणी चल रही है, ठीक है। और सीमा केस का अभी डेवलपमेंट आपके आधार, मैं जांच एजेंसियों पर कोई सवाल नहीं करता, कोई जल्दबाजी नहीं करता, मुझे किसी बात की कोई आपत्ति नहीं, आप जांच कराइए, एटीएस से जांच हो रही है, सीबीआई से कराओ, रॉ से कराओ, एनआईए से कराओ, आईबी से कराओ, उनकी जांच की निगरानी करानी तो अपने हमारे अनरेबल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पाँच पाँच जस्टिस की निगरानी में जाँच कराइए, आप उसका नार्को टेस्ट, पोलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, डीएनए एस्पिकेशन टेस्ट, अरे साहब जो टेस्ट कराना करा लो, पाकिस्तान मत भेजो, अगर वो प्यार में अंधी है, देखो साहब, देखो प्यार में, युद्ध में, राजनीति में, इतना तो माफ कर दो, वो तो सात समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के, और जो जासूस है तो सजा, अगर जासूस का नैरेटिव अगर वो सजा दो, वो सजा दो, वो सजा दो, उसे सजा दो, ठीक है। बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब थे ये हमारे साथ, तमाम तथ्यों को सीमा भीड़ा से जुड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी, हमारी आशा और उम्मीद यही कि वकील साहब के भविष्य के जितनी भी व्यक्तिगत पहल हैं वो समाज के लिए, शुक्रिया, नमस्कार।